राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गहलोत 156 सीटें जीतने की बात करते हैं। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंची यूथ कांग्रेस 156 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाई। बिल्कुल ऐसे ही जब डोटासरा की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया तो किसी में कोई जोश नहीं आया। यही अंतर होता है जनता के नेता और आलाकमान के नेताओं के बीच में, और इसीलिए हर कोई पूछ रहा है कि सचिन पायलट कहाँ हैं। ना तो वो जयपुर में हुए प्रदर्शन में नजर आए, ना ही अलग से कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, ना ही वो दिल्ली में प्रदर्शन का हिस्सा है और ना ही अग्रिम पंक्ति के बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। तो फिर सचिन पायलट कहाँ हैं? क्योंकि सचिन पायलट के लिए कहा जाता है कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पसंद है, लेकिन जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के समर्थन में बोल रही थी, सचिन पायलट वहां भी नहीं थे। जब जयपुर में प्रदर्शन हो रहा था, सचिन पायलट यहां भी नहीं थे। तो क्या सचिन आलाकमान को एहसास कराना चाहते हैं? राजस्थान में उनके बिना ना तो जनता का समर्थन है और ना ही प्रदर्शन का जोश आ सकता है। क्या सचिन पायलट आलाकमान को एहसास कराना चाहते हैं कि जिनको आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, जिनको प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है, जो 2023 में सत्ता में वापस आने की बात कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर भी 10,000 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते? क्या ये सचिन पायलट की रणनीति का हिस्सा है, या फिर सचिन पायलट समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है? राहुल गांधी अगर जेल चले गए तो फिर कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं है, और जिनके हाथ में ताकत है वो उसका इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, ना कि कांग्रेस के लिए। तो क्या सचिन पायलट अपने भविष्य को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है? हालांकि जो भी है, सचिन पायलट का अगला कदम राजस्थान में ना सिर्फ कांग्रेस की दिशा और दशा तय करेगा, बल्कि खुद सचिन पायलट की दशा और दिशा के साथ भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में लगा कि देश में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। ऐसा लगा कि कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता सिर्फ सड़कों पर होंगे, एकजुट होंगे, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो तस्वीरें कांग्रेस की दिखाई दी, उसने बता दिया कि कांग्रेस में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी का क्या हाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेताओं का क्या हाल हो। और सच में ये भी है कि कांग्रेस में जितने भी नेता भीड़ जुटा सकते थे, उनको कांग्रेस ने ही आगे नहीं आने दिया। और आज हाल ये हो गया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर में भी कोई जोरदार प्रदर्शन नहीं हुआ। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।